वाराणसी में चोरी की अजीबोगरीब वारदात सामने आई है। बेखौफ चोरों ने जेवर और पैसे के बजाय आधी रात को बकरी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आधी रात को शहर में हुई बकरी चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि घटना भेलूपुर थाना क्षेत्र के बदरडीहा चौकी के लखराव इलाके की है। इलाके में बुधवार की रात करीब 2 बजे स्कॉर्पियो सवार 3 युवकों ने लखराव के रहने वाले पारस के घर से बकरी चोरी कर फरार हो गए। रात के अंधियारे में स्कॉर्पियो सवार इन चोरों ने पहले फिल्मी अंदाज में सड़क पर गाड़ी खड़ी की, उसके बाद तीनों युवक गाड़ी से बाहर निकले। इस बीच एक युवक गाड़ी से कुछ दूर पारस के घर की ओर बढ़ा, फिर युवक ने चारों तरफ देखा और मौका देख बकरी उठाई और दौड़ते हुए स्कॉर्पियो में बैठ गया। चोरी की अजीबोगरीब इस वारदात से शहर में चर्चा है। जी हाँ, ये शहर भर में चर्चा का विषय है कि इस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो इलाके से बकरी गायब होने की ये घटना कोई पहली नहीं है। इसके पहले भी इलाके से बकरी चोरी होती आ रही है, लेकिन इस बार इन स्कॉर्पियो सवार चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आज हम बात कर रहे हैं, एक वाराणसी में वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो पूरे वाराणसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है बकरी चोरी का। चोर इस बार ना ही दबे पांव आए हैं और ना ही बाइक से आए हैं। इस बार चोर स्कॉर्पियो से आए हैं। स्कॉर्पियो गली के तिराहे पे खड़ी कर एक शख्स बाहर स्कॉर्पियो से निकलता है और गली में जाता है और धीरे से वो दरवाज़ा खोलता है। बकरी को गोद में उठाकर स्कॉर्पियो में लेकर बैठकर वहां से चोर रफू चक्कर हो जाते हैं। जब इलाके के लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि ये पहले भी हो चुका है, यहाँ से बकरी चोरी हो चुकी है, बस इस बार सीसी फुटेज में चोर की करतूत कैद हो गई है। जब हमने थाना अध्यक्ष भेलूपुर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने आप कैमरे पे बताया कि जांच चल रही है, जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। अब देखना है कब आरोपी पकड़े जाएंगे और क्या बकरी बरामद हो पाएगी। वाराणसी से CN न्यूज के लिए रवि सिंह।